चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पोर्ट्स क्रेजी को बेल आइकन की घंटी भी दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रेजी। आईपीएल का जो प्लेटफॉर्म होता है ना, वो बहुत सारे इमर्जिंग खिलाड़ियों के लिए एक एक आप कह सकते हैं बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड नहीं होता, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होती है। अगर वो उस अपॉर्चुनिटी को कैश इन कर लेते हैं, अच्छा कर जाते हैं, तो उनका नाम बन जाता है ना सिर्फ इंडिया में बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड, बिकॉज आईपीएल एक टॉप लीग है, उसकी व्यूअरशिप बहुत कमाल की है। एक कल खिलाड़ी थे जिनका आप कह सकते हैं डेब्यू हुआ पंजाब किंग्स के लिए, उस खिलाड़ी का नाम था वैभव अरोड़ा। वैभव अरोड़ा स्विंग बॉलर के रूप में काफी मशहूर थे अपने लोकल सर्किट में, लेकिन जैसे ही कल वो खेले आईपीएल में, ऐसा लगा ही नहीं कि अपना पहला मैच खेल रहे हैं, वो भी सीएसके जैसी टीम के खिलाफ। क्या कमाल की गेंदबाजी करी उन्होंने, दो विकेट लिए, 21 रन दिए अपने 4 ओवर्स में और बहुत सारे लोगों की तारीफें बटोरी। तो नजर डालते हैं कि वैभव अरोड़ा है कौन, क्योंकि सवाल उठा कि ये खिलाड़ी है कौन। तो कुछ बातें आपको बता देते हैं कि वैभव अरोड़ा का जो जन्म है वो 14 दिसंबर 1997 में हुआ था। 24 साल के इस वक्त वैभव अरोड़ा जो है हिमाचल प्रदेश के डोमेस्टिक सर्किट में खेलते थे और फिर उसके बाद उन्होंने फर्स्ट क्लास डेब्यू किया 2019 में सौराष्ट्र के खिलाफ। राइट आर्म पेसर है, T20 डेब्यू उन्होंने छत्तीसगढ़ के खिलाफ 2021 में किया। पंजाब किंग्स ने अरोड़ा को ओपन किया था एज ए नेट बॉलर आईपीएल 2020 के संस्करण में। वैभव अरोड़ा जो थे इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के सेटअप में थे, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिला डेब्यू करने का। पंजाब किंग्स ने इस अनकैप पेसर को 2 करोड़ रुपए में खरीदा था मेगा ऑक्शन में और एक बिडिंग वॉर चल गई थी जब बेसिकली इनका नाम आया, तो पंजाब किंग्स के साथ साथ इनकी जो पूर्व फ्रेंचाइज थी कोलकाता नाइट राइडर्स भी लगी हुई थी किसी तरह से वैभव अरोड़ा की सर्विसेज मिल जाए। वैभव जो है अलॉन्ग साइड, अगर मैं आपको बताऊं, फेलो पेसर अर्शदीप सिंह के साथ जूनियर क्रिकेट से खेल रहे हैं, जूनियर लेवल की क्रिकेट से, और ये जो डुओ है बेसिकली एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। सबसे बड़ी अगर हम बात बताएं आपको कि अर्शदीप सिंह जो है या वैभव अरोड़ा जो है, ये दोनों ही पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं। अर्शदीप सिंह तो इनसे ये भी काफी हाईली टैलेंटेड है और इनसे भी काफी एक्सपेक्टेशंस होती है पंजाब के फ्रेंचाइज की। वैभव अरोड़ा की अगर हम बात करें तो इनको कॉन्टेम्पलेट किया जाता था कि ये क्रिकेट जो है उसको छोड़ने वाले हैं कुछ साल पहले की अगर हम बात करें, और क्यों छोड़ने वाले थे, बिकॉज फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से। लेकिन जो उनके चाइल्डहुड कोच हैं रवि वर्मा, उन्होंने इनको मोटिवेट किया, आज उन्होंने क्रिकेट नहीं छोड़ी। और आप देखते हैं कि जब इंसान अपने ड्रीम्स पर गिव अप नहीं करता और मेहनत करता जाता है तो डेफिनेटली उसको लक्ष्य मिलता है। और क्या कमाल की गेंदबाजी करी, जिस तरह से मोइन अली को उन्होंने आउट किया लास्ट मैच में, आई थिंक तख्ता पलट के रख दिया। और जब पहला मैच आप खेलते हैं बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में परफॉर्म करना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि बड़े ओवरसीज प्लेयर्स होते हैं, बड़े इंडियन स्टार्स होते हैं, वहां पर परफॉर्म करना, 2 विकेट लेना, डेफिनेटली वैभव अरोड़ा ने अपनी छाप छोड़ दी है। अब देखना होगा किस तरीके से अपनी इस परफॉर्मेंस को वो कैश इन करते हैं। हर तरह की स्पोर्ट्स अपडेट्स के लिए हमारे चैनल स्पोर्ट्स क्रेजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।